अच्छा सर, इसमें दूसरी चीज ये है कि इसमें हवा भरने के लिए बताऊं कि इसमें हवा भरनी कैसे और निकालनी कैसे है। दो चीजें, ये आपका सेटअप कंप्लीट हो गया। अभी ये है कि आपने पे सिलेक्शन करना है, PSI पे है, आपने 40 पाउंड के ऊपर आपने सेलेक्ट कर लिया, आपने हवा भरनी है इसका। के अंदर ये नोजल आपने अटैच कर दी है, ये देखें अभी हवा भरना शुरू हो गई है। 40 पाउंड हमने सेलेक्ट की हुई है, टाइम जरा नोट कर लीजिएगा, देखें कितनी टाइम में भरती है। ये आप 40 पाउंड है, तकरीबन 23 पाउंड हवा हमने भरी है इस टायर के अंदर। ये मैंने नोजल उतार ली है, ये 23 पाउंड। अब हम इसकी हवा निकालनी है इस टायर की। मैं 20 पाउंड हम इसको नीचे लेके आए, 18 पाउंड जो है। अब ये नोजल जो है ये हमने इस टायर के साथ जो है ना अटैच कर दी। ये अभी इसने हवा निकालनी शुरू कर दी। ये हमने इसमें से 17 या 18 पाउंड जो है ना हवा निकाल ली है। टाइम पीरियड आपने नोट कर लिया कि कितने टाइम में जो है ना हमने ये नोट निकाल लेंगे सर। और ये जो बटन है मैंने बताया था आपको, ये वाला स्टॉप और कंफर्म वाला बटन है, ये उसी सूरत में चलाएंगे जिस टाइम 10 पाउंड से कम टायर के अंदर प्रेशर होगा, पंचर होगा टायर अगर, या टायर नया हो, उस सूरत में इसको दबाएंगे। देखें इसमें से हवा निकल रही है, ये स्लो फेंकेगा और हवा भर सकते हैं आप।